हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं बहुत ही रामबाण नुस्खा लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कर्ली हेयर पसंद होते हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें स्ट्रेट हेयर पसंद होते हैं। तो ये नुस्खा उनके लिए है जिनके ऑलरेडी कर्ली हेयर हैं और वो पार्लर में जाके अपना हेयर स्ट्रेट कराना चाहते हैं। बट फ्रेंड्स, आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी तरह का केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ ताकि आप घर बैठे बैठे आप अपने बालों को कर्ली से स्ट्रेट कर सकें, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता है। जैसे कि पार्लर में आपको कई हज़ारों रुपए देने पड़ते हैं अपने बाल स्ट्रेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सस्ती चीज़ें इस्तेमाल करके आप अपने बालों को कर्ली से स्ट्रेट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ क्या है वो नुस्खा। सबसे पहले हम एक खाली बाउल लेंगे। फ्रेंड्स, हम उसमें सबसे पहले मिक्स करेंगे दूध की मलाई, जिसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। हम उसमें ऐड करेंगे एलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। बादाम का तेल हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी जड़ों को मजबूत करता है। और तीसरी चीज़ है फ्रेंड्स, वैसलीन। वैसलीन बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, हमारे बालों को चमक देती है और स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नुस्खा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस क्रीम के 2 से 3 चम्मच लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। फ्रेंड्स, अब हमें यूज करना है वैसलीन। और इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है और आपको इसे अपने बालों पे इस तरीके से लगाना है कि आपके जो कर्ली हेयर है वो स्ट्रेट हो जाए। आपको नहाने से लगभग 2 घंटे पहले इसे अपने बालों में अप्लाई करना है, कंघी की हेल्प से अप्लाई करना है और अपने बालों में इस तरीके से अप्लाई करें कि आपके बाल स्ट्रेट लगें। तो फ्रेंड्स, अब ये क्रीम बनके तैयार हो गई है, अभी इसे अपने बालों पे अप्लाई करना है नहाने से लगभग 2 घंटे पहले। इसे आप अप्लाई करें अपने बालों में और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि धीरे धीरे आपके बाल स्ट्रेट होने लगेंगे और आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये था एक रामबाण इलाज बिना किसी केमिकल का, घर पे बैठकर आप अपने कर्ली हेयर को स्ट्रेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप ज़रूर ट्राई करेंगे मेरा ये नुस्खा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।